जयपुर में चल रहे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए आयामों पर जोर दिया जा रहा है। आयोजन में घरेलू और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए पर्यटन स्थलों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। के आसपास स्टॉल्स कह सकते हैं, जिसमें कि 11,000 मीटिंग्स ऑलरेडी फिक्स हो चुकी हैं और 6,000 आज की डेट में B2B मीटिंग्स हो चुकी हैं। डिपार्टमेंट एज यूजुअल जो हम सपोर्ट करते हैं, इस बार भी हमने अच्छे से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है और हम सब की कोशिश है। FSTR भी उसी लाइन पर है, डिपार्टमेंट भी उसी लाइन पर है। जैसे DPCM ने कहा, रवि सर ने कहा, सेक्रेटरी टूरिज्म ने, कि हम सब मिलकर ही राजस्थान को प्रमोट कर सकते हैं और जो भी लैप्सेज हैं उनको दूर कर सकते हैं। अभी तक करीब 8,000 B2B मीटिंग्स हो चुकी हैं एंड वी एक्सपेक्ट के कल के दिन में उससे भी ज़्यादा मीटिंग्स होगी। जितने भी होटेलियर्स यहाँ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये अबाउट 200 एग्जिबिटर्स, वो करीब 600 हमारे उनके प्रोडक्ट्स हैं जो राजस्थान के हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि RDTM 4 का जो रिज़ल्ट आएगा वो अमेजिंग होगा हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इस बारी जो बायर्स हमने इन्वाइट किए हैं बड़े सेलेक्टेड थे। उनमें बहुत से बायर्स हैं जो पहली बार यहाँ आ रहे हैं, जो वेडिंग और इवेंट्स को डील करते हैं। राजस्थान वैसे भी वेडिंग और इवेंट्स का हब बन चुका है। जितना सब्सिडी गवर्नमेंट होटल इंडस्ट्री को देगा उतना ही टूरिज्म बूस्ट होगा, बिकॉज हम आगे सेम गेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे, जो भी बेनिफिट्स हमें मिलेंगे एंड द गेस्ट विल कम एंड देन ओनली द रेवेन्यू विल इंक्रीज।